नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ड्रीम इलेवन के शौकीन हैं या किसी भी ऑनलाइन फंटेसी गेम के शौकीन और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी हैं तो हो जाइए सावधान। ऐसे ही एक सरकारी कर्मचारी को 1.5 करोड़ रुपया जीतना पड़ गया महंगा। यानी कि 1.5 करोड़ रुपया था जीता, पर वहीं पर सरकारी मुलाजमत से उन्हें होना पड़ा निलंबित। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। एक यानी कि पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर को 1.5 करोड़ रुपया ऑनलाइन जीता, पर साथ ही साथ ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म से। ड्रीम इलेवन की अगर बात करें तो आज के दौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, हर एक का पसंदीदा गेम है, और जिस तरह से जब ये मैचेस चलते हैं आप देख रहे हैं हर एक की जुबान पर ड्रीम इलेवन है। और जब भी कोई मोबाइल खोलेगा आप देख रहे होंगे, जब भी मैचेस जिस तरह से अब चल रहा है, सीरीज चल रही है, जिस तरह से आपने देखा मैचेस का दौर है आज भी चल रहा है, तो लोगों के जब फोन देख रहे होंगे इस समय भी लगे होंगे ड्रीम इलेवन में, किस तरह से लोग अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद मैचेस लगाते हैं। और उसी के चलते एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने भी इसी तरह से गेम लगाई और उसकी किस्मत चमक गई, और किस्मत चमकी उसके बाद बस किस्मत ने भी दरवाजा खटखटा दिया। डीम 11 में 1.5 करोड़ रुपया तो जीता, पर वहीं पर संकट उस समय उनके ऊपर सर के ऊपर फिरा के जबकि उन्हें नौकरी से सस्पेंड भी किया गया। बताना चाहेंगे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ रुपए जीतने वाले महाराष्ट्र पुलिस कर्मी को कदाचार के लिए मिसकंडक्ट के लिए निलंबित कर दिया गया। पुणे पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जिसने हाल ही में एक फैंटेसी खेल मंच पर 1.5 करोड़ रुपया जीते थे को कथित तौर पर यानी कि मिसकंडक्ट के लिए निलंबित कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस प्रमुख ने पुलिस उपयोग स्तर के एक अधिकारी को जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। अधिकारी के अनुसार जेंडे ने एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉटरी जीती और अप्रत्याशित पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने मीडिया को एक साक्षात्कार दिया। बात के में पुलिस विभाग के बारे में कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया और पुलिस की वर्दी में एक साक्षात्कार दिया। इन दो मामलों में उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने गेमिंग ऐप ड्रीम इलेवन में भाग लिया जहां उन्हें उपयोगकर्ता वास्तविक जीवन में खिलाड़ियों की एक आभासी टीम बनाते हैं और अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं और वास्तविक पैसे जीते हैं। मौखिक चर्चा और उनके आचरण के बारे में चिंताओं के बाद पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक झंडे अब विभागीय जांच में अपना बयान पेश करेंगे। इस बीच झंडे ने कहा कि पुलिस विभाग के कई लोग फैंटेसी गेम स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं। उन्होंने टाइम यानी कि एक समाचार पत्र को बताया, मुझे इसलिए चुना गया क्योंकि मैं खेल में 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि जीतने में सफल हुआ है। झंडे ने अगर कहा कि ऑनलाइन गेमिंग अवैध नहीं है और पुरस्कार राशि में 45 लाख रुपए की कर राशि काट ली गई है, यानी कि जो भी इस ऑनलाइन गेम में ड्रीम इलेवन में जीता उसे पहले इसका टैक्स जो है यानी कि काट लिया जाता, और ये ऑनलाइन जो गेम है ये अवैध नहीं, इसे वैध करार दिया गया है। ये साफ तौर पर सब इंस्पेक्टर ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है। और झंडे ने ये कहा कि इसलिए मुझे निलंबित किया गया क्योंकि मैंने ड्रीम इलेवन में 1.5 करोड़ रुपया जीता है। फिलहाल ये खबर जो है हमने बताया कि फिर भी उसके बावजूद भी यानी झंडे को ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया विभाग की ओर से कि झंडे ने मिसकंडक्ट किया, उन्होंने वर्दी में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर डाली और साथ ही से उसके बाद उन्हें यानी कि निलंबित किया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया और अब उन्हें एक टीम गठित किया और टीम ने को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। ये अभी तक की खबर है और फिलहाल ये आपके समक्ष हम जरूर रखेंगे। जो भी अधिकारी इस तरह की ड्रीम इलेवन या फैंटेसी गेम में आप भागीदारी लेते हैं थोड़ा सतर्क हो जाइए, संभल जाइए कि कल को ये ना आप भी इसमें भागीदारी लें और कहीं आपकी किस्मत का सितारा चमक जाए, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देकर, अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।